हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानसून की अवधारणा एवं क्रियाविधि। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, मानसून की अवधारणाएँ एवं क्रियाविधि। कहते हैं मानसून की अवधारणाएं क्या और क्रियाविधि किस बात को यहाँ वैरिड करता है। कहते हैं मानसून से तालपत्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ऐसे बनों के तंत्र से है जिसमें जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु में पवने अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती है, और शीत ऋतु में ये पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र तल की ओर चलती है। देखिए, ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है कि शीत ऋतु में ये पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। कहते इसलिए मानसून पवनों का प्रभाव जो है प्रदेशों में अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी मानसून पवनों के प्रभाव प्रदेशों में अधिकांश जो है वर्षा ऋतु में ही होती है, और जबकि शीत ऋतु सामान्यतः काफी शुष्क होती है। काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि देखिए, जबकि शीत ऋतु जो सामान्यतः शुष्क होती है, और देखिए पॉइंट की बात करें तो मानसून से तापते उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों ऐसे पवनों के तंत्र से है जिसमें ग्रीष्म और शीत ऋतु में पवने अपनी दिशा पूर्णतः पलट लेती है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ जो है बॉक्स में दर्शाया गया है। कहते हैं परंपरागत विचारधारा के अनुसार स्थल एवं समुद्र जल के गर्म होने की प्रवृत्ति में अंतर के कारण मानसून का जन्म होता है। तो देखिए, मानसून का जन्म आप समझ गए हो किस प्रकार होता है कि देखिए स्थल एवं समुद्र जल के गर्म होने की प्रवृत्ति में भी जो है मानसून का जन्म होता है। जब समुद्र जल जो है काफ़ी गर्म होती है तो भाप बनती है, और भाप बन के जो है मानसून का जो है उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म काल में स्थल पर जो है ऊंचे तापमान के कारण जो है महाद्वीप पर जो है निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं, यानी ग्रीष्म काल में स्थल पर जो है ऊंचे तापमान के कारण जो है महाद्वीपों पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और पवने जो है निकटवर्तीय महासागरों से स्थल की ओर चलने लग जाती है, यानी निकटवर्तीय महासागरों से ये जो है चलने लगती है, और ये पवने समुद्री भागों में पैदा होती है, अंततः जो है ग्रीष्म काल में पर्याप्त वर्षा करती है। कहते हैं दूसरी ओर शीतकाल में महाद्वीपीय निकटवर्तीय महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीतकाल में महाद्वीप निकटवर्तीय महासागरों की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर जो है ऊंचे दाब क्षेत्र बन जाते हैं, यानी परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर जो है ऊंचे दाब क्षेत्र बन जाना स्वाभाविक रहता है, और इसलिए शीतकाल में पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है, यानी इसलिए जो है शीतकाल में पवने जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि ये पवने महाद्वीपों की विशेषताएं लिए हुए होती है, यानी ये पवने देखा जाए तो यहाँ पर जो है महाद्वीपों की विशेषता लिए हुए होती है, अंततः ये काफ़ी शुष्क होती है और वर्षा नहीं करती है। मानसून के इस परंपरागत सिद्धांतों को जर्मन जो है मौसम विज्ञानी फ्लेन ने जो है आलोचना भी की थी, यानी देखा जाए तो मानसून की इस परंपरा का सिद्धांत को जर्मन जो है मौसम विज्ञानी फ्लेन ने इसकी आलोचना भी की थी। उसके विचार से जो है भूमंडलीय स्तर पर पवनों की दिशा में अमूल्य परिवर्तन के लिए मात्र जो है स्थलीय एवं समुद्री भागों के विभिन्न प्रकार से जो गर्म होना काफ़ी नहीं है। उसने जो है मानसून की उत्पत्ति और सूर्य की सीधे किरणों के जो है खिसकने के प्रभाव से वायुमंडल दाब पेटियों के जो है मौसम के अनुसार खिसकने के आधार पर स्पष्ट किया है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो है यहाँ पर जो है फैमुल ने दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण था फैमुल के जो है फ्लेन के प्रमूल, ठीक है, जिसमें इसने बताया था कि उसने मानसून की उत्पत्ति के सूर्य की सीधे किरणों से जो है खिसकने के प्रभाव से वायु अपने पेटी के मौसम के अनुसार खिसकने के आधार पर स्पष्ट किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु के उत्तर की ओर कर्क वृत्त पर जो है लंबत पड़ती है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य किरणें ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर कर्क वृत्त पर लंबत पड़ती है, तब अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है, इसको हम ITCZ कहते हैं, यानी अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, और यह निम्न दाब इस प्रदेश के उच्च तापमानों के कारण और अधिक गहन हो जाती है, और यह निम्न दाब क्षेत्र जो है हिंद महासागर से वायु के दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय भूभाग की ओर खींचती चली जाती है। और कहते हैं शीत ऋतु में आई
TCZ जो है दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है और भारत के उत्तरी भाग पर जो उच्च दाब विकसित हो जाती है, और ये उच्च दाब जो है उपोष्ण उच्च दाब पेटी के जो है विषुववर्तीय वृत्त की ओर खिसकने से और अधिक गहन हो जाती है, और उत्तरी भारत के इस उच्च दाब के कारण पवनें जो है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में चलने लग जाती है, जिसका दिशा जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिमी की ओर होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। इससे भी अधिक जो है नवीन अवलोकन के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं समुद्र भागों के विभिन्न रूपों से गर्म होने तथा दाब एवं पवन पेटियों की मौसमी स्थानांतरण के कारण हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल व जो है समुद्री भागों के विभिन्न रूप में जो है गर्म होने तथा दाब पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण हुआ है। इसके देखा जाए तो बहुत से कारकों को जो है प्रकाशित होती है, यानी सब कारक बनती है। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जो है उत्पोषण कटबंध ये पश्चिमी तथा जो है उष्ण कटबंध ये पूर्वी जेट वायु धाराएं हैं, और जो है उत्तरेषण कटबंध ये पश्चिमी जेट वायु धारा शीतकाल में भारत के जो है ऊपर चलती है, और इससे जो है उत्तरी भारत में जो है उष्ण दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी मानसून पवनों को अधिक शक्तिशाली बनाने में काफ़ी मदद करती है, और यह जेट वायु धारा शीत ऋतु में भारत से दूर उत्तर की ओर खिसकती जाती है, और तथा कहते हैं इस ऋतु में जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वायु धारा का विकास भी हो जाता है, और इस जेट वायु धारा का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ से होने के साथ साथ ही होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया जाता है। यदि यहाँ पर हम एक बॉक्स की बात करें, पॉइंटों की बात करें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि परंपरागत मत के अनुसार जो है स्थल एवं जलीय भागों के विभिन्न प्रकार से गर्म होने के कारण जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, और कहते हैं जर्मन मौसम विज्ञानी के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वायु दाब एवं पवन पेटियों का खिसकना ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं, सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि वायु दाब के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। और आधुनिक वैज्ञानिक का मत है कि भारतीय मानसून पवनों की उत्पत्ति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जेट वायु धाराएं हैं। तो कहते हैं दोनों बातों को नकारा नहीं जा सकता है, दोनों बात सही है कि जेट वायु धारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और दाब वायु दाब और पवन पेटियां भी अपने जगह सही है।